हाय गाइस, मेरा नाम है हनुमान। आप देख रहे हैं कुरैशी फिटनेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हैवी वेट और लाइट वेट। क्या आपको हैवी वेट लिफ्ट करने चाहिए या लाइट वेट लिफ्ट करने चाहिए? बहुत से लोगों का क्वेश्चन था, क्या हमें लाइट वेट लिफ्ट करें, हम हैवी वेट लिफ्ट करें, हमें कौन सा वेट लिफ्ट करना चाहिए और हमें कितना वेट लिफ्ट करना चाहिए। गाइस, सबसे पहले आपने अपनी स्ट्रेंथ को समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। सेकेंड थिंग कि आपका गोल क्या है, क्या आप फैट परसेंटेज कम करना चाहते हैं, फैट कम करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, या फिर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं। अब फैट लॉस किन लोगों के लिए? गाइस, जो लोग ओवरवेट हैं, मोटे हैं, जिनकी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, जो गोलू मोलू टाइप हैं, वो लोग जो हैं लाइट वेट सेलेक्ट करेंगे। और वो लोग जो स्किनी पतले लीन हैं और जिन्हें अपनी बॉडी में मास पुट ऑन करना है, मास बनाना है, साइज़ बनाना है, मसल बिल्डिंग करनी है, मसल साइज़ को ज़्यादा करना है, वो लोग हैवी वेट लिफ्ट करेंगे। सो गाइस, ये दो कैटेगरी हो गई और ये दो कैटेगरीज में आपको सेपरेट वेट लिफ्ट करना है। मोटों के लिए फैट परसेंटेज ज़्यादा वालों के लिए लाइट वेट, और जो लोग स्किनी हैं, पतले हैं, उनके लिए हैवी वेट। अब यहाँ पर गाइस बात करते हैं रेपिटेशन। गाइस, अगर आपका वेट ओवरवेट हैं, फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो आपको लाइट वेट चूज़ करना है और मैक्सिमम रेपिटेशन हिट करनी है 15, 13, 14 से 20 तक। और अगर आप हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, मसल साइज़ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको हैवी वेट लिफ्ट करना है अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी स्ट्रेंथ होगी। ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सबसे ज़रूरी बात जो आपने करनी है कि आपने अपनी सेटअप, पोस्चर, पोजीशन ख़राब नहीं करनी है। सही पोजीशन के साथ आप वो वेट सेलेक्ट करें जिससे आपसे मैक्सिमम 10 रेपिटेशन हिट कर सकें। और जब आप हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तो आपका फास्ट ट्विच, कम रेपिटेशन करते हैं, हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर टारगेट होता है, जो कि साइज़ बनाने के लिए है। और जब आप लाइट वेट से मैक्सिमम रैप रेंजेस को हिट करते हैं तो आपका स्लो ट्विच फाइबर मसल हिट होता है, जो कि आपके फैट को लॉस करने के लिए, आपके मसल को शेप देने के लिए, मसल की सिमेट्री के लिए होता है। गाइस, सो मोटे लोग सबसे पहले फैट लॉस करें, उसके बाद वो हैवी वेट का सोचें, और जो स्किनी है वो लाइट वेट्स यूज़ ना करें, हैवी वेट लिफ्ट करें। यहाँ पर मेरे पास 5 kg का डंबल है, कईयों के लिए ये लाइट होगा और कईयों के लिए ये हैवी होगा। ये वेट लाइट वेट है, जो नए बिगनर आते हैं वो इससे वर्कआउट परफॉर्म करें और पोजीशन अपनी बिल्कुल ठीक रखें। इससे क्या होगा, जब वो मैक्सिमम रेपिटेशन हिट करेंगे तो अपनी बॉडी से फैट लॉस कर सकेंगे। और फैट लॉस जब ही होता है जब आप मोर कैलोरीज बर्न करते हैं। रेपिटेशन का मतलब है कि आप ज़्यादा अपनी बॉडी से वर्क ले रहे हैं तो आपका फैट लॉस होगा, कैलोरीज बर्न होंगी, ऑटोमेटिकली फैट पे इफ़ेक्ट होगा। और जो लोग स्किनी हैं, पतले हैं, वो लोग हैवी वेट लिफ्ट करें। अब मेरे लिए ये 20 kg का डंबल लिफ्ट करना ईजी है, मतलब मैं इससे अपने 12 रेपिटेशन हिट कर लेता हूँ अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, जब मैंने साइज़ गेन करना होता है। सो इसमें भी आपने पोजीशन देखनी है। अगर आप लग रहा नहीं है और आप इतना हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल ना करें अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अगर तो आपकी पोजीशन ऐसे ही ठीक रहती है तो आप अब हैवी वेट लिफ्ट करें उतना मैक्सिमम जो आपको लगता हो। अब मेरे लिए 20 kg है, मेरी पोजीशन ख़राब नहीं होती। जब मैं इसमें हिट करता हूँ तो मैं बिल्कुल आगे नहीं जा रहा हूँ और बिल्कुल पीछे नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ एल्बो से वर्क करवा रहा हूँ। अगर आप इस तरह से हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से वेट को सिलेक्ट करें, जितना आप हिट टारगेट कर सकते हैं, जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं। सो ऐसा ना हो कि आप इतना वेट हैवी लिफ्ट कर लें जिससे आपको इंजरी हो जाए। हमने हैवी वेट लिफ्ट किया, लोअर बैक इंजर्ड हो गई, शोल्डर रोटेटर कफ की इंजरी हो गई, एल्बो फोरआर्म की इंजरी हो गई। सो गाइस, हैवी वेट उतना ही लिफ्ट करें जितनी आपकी स्ट्रेंथ हो। अब गाइस, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, फैट लॉस के लिए लाइट वेट और मसल बिल्डिंग के लिए हैवी वेट। अपने अपने गोल्स को समझें, जैसे आपके गोल्स हैं वैसा वर्कआउट करें, वैसे रेपिटेशन रखें, वैसा वेट लिफ्ट करें। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे समझ लग गई होगी कि क्या आपको हैवी वेट लिफ्ट करना है या लाइट वेट लिफ्ट करना है। और बिल्कुल भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी किसी को देख के, उस बंदे की क्या स्ट्रेंथ है, कितना समय हो गया उसका वर्कआउट करते हुए, कितना एक्सपीरियंस है, उस चीज़ का आपको बिल्कुल नहीं पता। आप नहीं जानते उसकी क्या, उसके पीछे मेहनत है, एफर्ट है, और आप उसको देख के उसके मुकाबले में वेट लिफ्ट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, आपके लिए गलत है। वो तो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही कर रहा है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है।
और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, क्यूरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगा। सो ये थी मेरी वीडियो, सी यू सून।